बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरजराज आज किस दिन देखने वाले हैं, जो भी छात्र इको देखो बीए सेकंड ईयर में है और बीए सेकंड ईयर का ये है इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर है, जिसे हम सार्वजनिक वित्त और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से पेपर बनता है। और इसमें बात करने वाले हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चनों की। 2022 में जो क्वेश्चन छप रहे हैं, बस आपको यही लगभग 17 से 18 क्वेश्चन जो दे रहा हूं यही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। और आप 2022 के टॉपर बनने वाले हैं, 2022 के टॉपर आप देख लेना। जो मैं आपको बताता हूं वही पेपर में आता है। आप सारे कमेंट देख लो, बच्चों के बहुत सारे कमेंट करते हैं और मैं आपको पोस्ट भी करता हूं, आप देख सकते हैं। और आपको विश्वास तब होता है जब आपके पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहला पेपर दे लो, आप अपनी मर्जी से, दूसरा पेपर मेरी मर्जी से देना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रहा है तो उन्हें सबको बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां पर जाकर सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, जाओ डाउनलोड करो। अब यहां बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत क्या होता है। टिक करो, आपके पास गैस पेपर नोट्स बुक सीरीज वगैरह जो मार्केट से खरीद के लेके आए हो पढ़ने के लिए, उसको ओपन कर लेना है और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उस पर टिक लगा लेना है, बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है। चल अब देखो यहां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन टिक लगा लिया, मुझे बताओ लगा लिया, चलो ठीक है। उसके बाद में देखो यहां बोला गया है अधिकतम सामाजिक लाभ जो सिद्धांत है उसको देख लेना है। बजट का अर्थ क्या होता है, मतलब कि बजट किसे कहते हैं बताइए, बजट कहते क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके महत्व को देख लेना है। दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, दोनों करों को अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये छप रहा है पेपर में आपके 2022 में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को, पहली बार जो चल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ सभी लोग व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दें इस वीडियो को। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसे कहते हैं करारोपण, ठीक है, में न्याय का अर्थ क्या होता है, करारोपण में न्याय का अर्थ क्या होता है, दर दे, देखो यहां कह रहा है कर दे, योग्यता सिद्धांत और उसका मूल्यांकन को देख लेना है। उसके बाद में है कर में, कर का अर्थ क्या होता है, सीधा बात है कर, करेक्ट जो टैक्स होता है, टैक्स होता, टैक्स कहते किसे हैं और टैक्स की विशेषताएं क्या होती है, काराघात कारापात में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पे लगा देना इसको, मोस्ट पे बेटा, काराघात और कारापात में अंतर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, जिसे कारापात काराघात बोलते हैं। आप इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहां बोला गया है देखो सार्वजनिक व्यय के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। और देखो वेगनर का समाज जो कह सकते हैं, एक वेगनर नाम के समाजशास्त्र थे, उन्होंने एक सामाजिक व्यय दिया था उनके बारे में। और यहां बोला गया है राजकोषीय नीति का अर्थ क्या होता है, राजकोषीय नीति का किसे कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते किसे है, उसकी परिभाषा केंद्रीय सरकार की आय तथा व्यय, ठीक है, कि मुद्दों पर आपको विवेचना करनी है, मतलब सरकार की जो आय है कहां से वो कमाती है, कहां खर्च करती है, उन मुद्दों पर आप विवेचना करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कर, ठीक है, प्रणाली के दोष, मतलब कि जो भारत के जो कर प्रणाली है उसके क्या क्या दोष हैं, भारत में जो संघीय वित्त व्यवस्था है, संघीय वित्त व्यवस्था के बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टिक लगाइए बेटा फटाफट टिक लगाइए, तुलनात्मक लागत सिद्धांत किन लागतों के अंतर्गत लागू होता है, आपको यह देख लेना है। यहां बोला गया है अवसर लागत सिद्धांत क्या है, उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन बताना है कि अवसर लागत किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है व्यापार की शर्तों और प्रकार घटक, व्यापार की क्या क्या शर्त होते हैं, जब आप व्यापार करते हैं तो उनके क्या क्या शर्त होती हैं, उन शर्तों के बारे में, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में आपको अंतर बताना है, मतलब कि भुगतान संतुलन किसे कहते हैं और व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इन दोनों में आपको अंतर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए, बस खत्म क्वेश्चन, यही लास्ट है। यहां है राजस्व का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा को देखिए, लोक वित्त और निजी वित्त क्या होता है, लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर आपसे पूछता है। उसके बाद में है सह सर्व हितकारी वस्तुएं क्या होती हैं, मतलब कि सर्व हितकारी वस्तुएं कौन सी होती हैं, और सार्वजनिक ऋण लाभ विशेषता, मतलब कि सार्वजनिक ऋण किसे कहते हैं, ठीक है, सार्वजनिक ऋण क्या होता है, लाभ क्या होते हैं और सार्वजनिक की विशेषता बताइए। यहां है मंदी काल में राजकोषीय नीति कैसी होती है, मंदी काल में राजकोषीय नीति के बारे में, और बैट बैट क्या होता है, बैट क्या होता है, बैट क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछता है। यहां बोला गया है देखो हेक्सर ओहलिक सिद्धांत क्या है, हॉक्सर ओलिन, ठीक है, ओहो लिव है, ठीक है, ओलिव सिद्धांत को देख लेना है, ओलिव सिद्धांत और व्यापार की शर्तें ऊपर बता चुका हूं, छोड़ दीजिए इसको। और यहां देखिए, यह देखो आय कह सकते हैं,
आयत कोटा क्या होता है, आयत कोटा की परिभाषा। बस इतने क्वेश्चन थे 2022 में, आने वाले क्वेश्चन 2022 में यही छपेंगे, बस इतने क्वेश्चन पढ़ लेना है और 85% प्लस लेके आना है, ठीक है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं एक नेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को सभी लोग शेयर कर देंगे बात।